कंपनी पुराना ऑफिस पुराना पीएसपी का मालिक है मालिक ऐसे ही नॉर्मल ये कैसा है कि कुछ ना कुछ अंदर से आना चाहिए कि चल क्या रहा है ना। अभी मैं बताता हूँ, अभी सभी यंग है, मतलब यंग टीनेज में ही है ना, ये एकदम प्रॉपर फेज है, मतलब करियर बना, बाकी चीज ऑटोमेटिक बन जाएगी। मतलब जैसे कि आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, अभी आप लोग मतलब मेरे ख्याल से 2000 ही हो गए सबका वर्क, तो ये उसके ऊपर ही होगा 2000 के आगे, मतलब 1, 2, 3 आते हैं जो 90s वाले किड्स थे, जैसे हम लोग के मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ घर पर डंडा पड़ता था कि पढ़ाई करना, सिर्फ और सिर्फ इसकी है ना। अभी कैसा है आजकल का जनरेशन में सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, जो अच्छी बात है, कैसा है हर चीज़ करो पर लिमिट में करो तो अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं बोलता है, कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि टोटली ये मत करो, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में नहीं जाओगे तो फिर पीछे हो जाओगे, और हम तो टेक्नोलॉजी वाले बंदे सारे प्रोग्रामिंग कर रहे ना, मेरे ख्याल से सब प्रोग्रामिंग वाली इसके मतलब प्रोग्रामिंग डेवलपिंग में, तो वही तो इसमें कहता है कि एक्स्ट्रा अपने को कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, आप भीड़ में से हट के निकलना चाहिए। अभी तक के अगर कुछ प्लानिंग की होगी सेट गोल, तो वो आप पहले तो करना चालू करोगे आज से अभी से, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आओगे पीएसके में 10 घंटा करके जाओगे, और 6 महीने के बाद में आप बोलोगे कि यार मैं तो 6 घंटा रोज गया या रोज गई, पर आउटपुट तो कुछ नहीं है, तो कहीं जॉब में प्लेसमेंट नहीं हुआ है कैसे, मैंने तो वेस्ट हो गए इतने महीने, सर तो बहुत बोल रहे थे, मैम तो बहुत बोल रहे थे, पर हुआ क्या? तो इसके पीछे का क्या है ना, इंस्पिरेशन जो होती है वो खुद से होती है। आप आओगे 10 घंटा करोगे तो वो आएंगे बताएंगे, आप करोगे पूरा करेंगे, वो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा वो जो बता दिया वो तो वहाँ खत्म हो गया, वो जब बता के छोड़ के चलेगा उसके बाद आप जो अपने ऊपर काम करोगे वहाँ से आपका 0% चालू होगा। अभी समझो यहाँ पे 6 घंटा आपने वर्क किया, वो आपका 0 है, उसको काउंट ही मत करो कि मैंने कुछ किया है, आज दिन भर में मैंने कुछ नहीं किया। आपको वो जाने के बाद में आप जो पढ़ा है उसमें खुद से आप कितना इन्वॉल्व कर रहे हो, खुद से आप कितना उसको निकाल रहे हो, खुद को कितना समझ रहा है, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं, उस पर फोकस करो, वहाँ से आप 0% तक चालू हो। अभी आप बोलोगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हमको तो यहाँ पे इतना लेट हो जाता है, हम घर पहुँचते हैं इतना, तो देखो एक चीज ऐसी है, अभी 30 साल मेहनत करो और आगे अपनी लाइफ एक अच्छी वे में बिताओ, या फिर अभी अच्छी लाइफ बिताओ माँ बाप के पैसे से, और बाद में फिर डिप्रेस हो या मैं लाइबिलिटीज नहीं है, मैं क्या करूँ, और पता है ये तो टीनेज में अभी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, पता चलेगा जब जैसे जैसे एज बड़ी होगी, एज बड़ी होगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगी है ना, और उसमें क्या है बॉयज को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आजकल गर्ल्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, करियर दोनों का इम्पोर्टेंट है, आज ऐसा कुछ नहीं है कि बॉय है लड़की है शादी कर लीजिए हो गए या लड़का है उसको ये पूरा नहीं, अभी तो 50-50% का लाइबिलिटी सबको करना है बराबर। तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आगे मेरी लाइफ चलती कैसी होगी, मैं खुद को खुश रख पा रहा हूँ कि नहीं, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को खुश रख पा रहा हूँ कि नहीं रख पा रही होगी है ना, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आती है आगे, वो सब कैसे टैकल करो, और आज महंगाई कितनी है सबको ऑलरेडी पता है, पेट्रोल का पूछ लो, डीजल का पूछ लो, सब्जी का पूछ लो, राइस दाल कुछ भी पूछ लो, ऐसे महंगाई ये भी आप कुछ नहीं कर पाते, तो ये बेस्ट टाइम है। अभी आप जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हो तो इसको टाइम वेस्ट मत जाने दो, मेरा कहना इतना है, जितना आप फोकस करोगे, जितना आप मतलब अपने गोल जो सेट करोगे उस पर पीछे भागोगे उतना आपके लिए आगे की लाइफ में अच्छा होगा। मैं आप लोग जैसे इंस्टा भी देखते हो गए मोटिवेशनल स्टोरी बहुत मिल जाती है, आप उनको बिंद्रा करके कोई है नाम मेरे को पता नहीं, पर उसके मोटिवेशनल स्पीच आते हैं है ना, फिर वो चश्मे वाला एक संदीप मोटिवेशनल, वो क्या है वो उनकी वो क्या बोलते हैं टैलेंट है उनका, वो
कर सकते हैं, है ना, पर वो एक्सपीरियंस करके मोटिवेट, मतलब जो जितनी बातें वो खुद बताते थे वो क्या खुद उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है? नहीं, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, उन्होंने कहीं से किसी स्टोरी को सुना है, कहीं से पढ़ा होगा, बुक्स रीडिंग की होगी, कुछ ना, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस वो उन्होंने नहीं किया है ना। आप जब एक ऐसे पर्सन को सुनोगे जिसने खुद एक्सपीरियंस किया है, जैसे लाइफ में, जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि स्ट्रगल मैंने बहुत किया, और PSK फैमिली हम लोग की, जैसे PSK ये पूरा फैमिली इसमें अलग सा ग्रुप है, PSK फैमिली का सर ने बताया उसका, उसमें कुछ पुराने हमारे तो डिविडेंट बैचमेट्स हैं जो अभी एक फैमिली की तरह हो गए। फैमिली वैसे जब मैं नागपुर में आया था, एक्चुअली मैं नागपुर से नहीं हूँ, प्रॉपर मैं छत्तीसगढ़ से होता है, तो यहाँ पे आया तो अकेला आया था, पर यहाँ पे कोई नहीं। सर से जब मेरी मुलाकात हुई 2013 में, अब वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली हम आ रहे थे कॉलेज से, एक जगह पे हमको कॉम्पिटेट दिखा C++ जावा ओनली इन 500 rupees 2013 में, तो वो देख के फिर अब 500 rupees में था कोर्स, एक कोर्स को एक, बोले ये तो बहुत सस्ता है, चलो कुछ नहीं तो जाके बैठेंगे कुछ तो सीखेंगे, 500 में और कोई क्या ही सीखेगा, तुम इंटरनेटेड तो नहीं बन जाए, तो वो सोच से हम आए, मतलब उस समय तो पैसे नहीं रहते थे, तो 500 rupees इधर उधर से करके हम आए एडमिशन लिए। और मैंने अकेले ने नहीं, मैं तो IT वाले थे, मतलब मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ था इंजीनियरिंग में, पर कॉलेज कभी नहीं जाता था, और कॉलेज ही नहीं जाता था तो लेक्चर अटेंड ही नहीं करते, कुछ समझ में नहीं आता, प्रोग्रामिंग तो वैसे ऊपर से जाती थी, पर कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। तो आ गए हम, और मैंने अपने साथ में मेरे जो बैचमेट थे, जो रूममेट थे, हम लोग 13-14 फ्रेंड्स एक साथ रहते थे, तो सबके सबको मैंने यहाँ पे ले गया, मतलब एक खुद की बैच ही लेके आ गया, मतलब सर को और लोगों का इंतजार करना नहीं पड़ा, नई नई बैच लेके आ गए, और वो कोई सिविल का था, कोई इलेक्ट्रिकल का था, कोई मैकेनिकल का, पर बोले 500 में कुछ तो नॉलेज मिलेगा, नॉलेज ले लो, और मेन सब कुछ खेल नॉलेज का ही, आपके पास जितना नॉलेज है आप लोगों से हटके दिखो, किसी भी फील्ड का मल्टी टैलेंटेड होना आज के डेट में बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया लोग ऐसे है, मतलब अभी तो बाहर की लाइफ मतलब उतना नहीं देखता होगा, पर बाहर की लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं आपको कहाँ पीछे छोड़ के वो ऐसे निकल जाएंगे आपके आते समय से, आपको पता नहीं चलेगा, आपको बहुत फोकस्ड रह के करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तब जाके आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा, सर जो बोलते वो सुनना पड़ेगा, बड़ों का गाइडेंस वो लेना पड़ेगा, और अपने पे दूसरे क्या बोलते उससे ज़्यादा खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है, खुद पे कि मेरे को ये क्यों नहीं आ रहा, हम क्या क्यूट कर देते हैं यार, ये मेरे से नहीं हो रहा, ये प्रोग्राम ये नहीं हो रहा है, उसको तब तक के करना है जब तक वो सॉल्व नहीं होता, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इतना तो गारंटी है, कुछ भी हम कर सकते हैं, उसको करोगे करोगे नहीं एक दिन में होगा, नहीं तीन दिन में तो होगा, और जिस दिन होगा उस दिन ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना, एक छोटी सी बात से भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मैंने ये कर लिया, आप तो बाकी तो मैं यूज कर, वो कॉन्फिडेंस हर चीज में आनी चाहिए। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है जो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। सर से मैं मिलने आता हूँ, पर सर बोले कि नहीं आपके जैसे स्टूडेंट भी हैं, उनसे उनको नाम जानते हैं, चेहरा नहीं पहचानते, तो मिलाता हूँ, चलो मिल लेते हैं, तो फिर सर ने बोले कि अपनी स्टोरी बताओ, तो ताकि कुछ मोटिवेशन मिले सबको लाइव एग्जाम्पल देख। तो ये मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, बाकी चीज़ें सब कुछ छोड़ दो, कोई मतलब भी नहीं है, आगे कुछ भी चल के काम नहीं आने वाला। जब मोबाइल आया था न्यू चाइना सेट होकर, चाइना का मॉडल, तब हमको जब मिल गया था मोबाइल, तब मैं 12th में था, 12th में फर्स्ट टाइम मोबाइल मिला, मैं बता रहा हूँ मतलब बचपन से 8th स्टैंडर्ड तक मैं काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मतलब बचपन से मतलब हमेशा फर्स्ट आता था स्कूल में। एक बार चीफ मिनिस्टर थे, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे अवार्ड भी मिला, मतलब बोर्ड 8 बोर्ड में टॉप किया। फिर मोबाइल का आया, मतलब 2-3 साल के बाद, फिर थोड़ा सा डाउन टाइम आ गया मेरी लाइफ में, तो मार्क्स पूरे परसेंटेज सब कम हो गए, पूरे कम हो गए। फिर 12th में मोबाइल इंट्रोड्यूस हो गया, और
मैं सब कुछ छोड़ के मोबाइल में SMS ये वो करने में लग गए, कॉल करने में लग गए दोस्तों को। तो 12% डाउन हो गया 55। और उस समय का ऐसा था कि आपको मिनिमम 60% मार्क चाहिए अगर आपको एक वेल रिप्यूटेड अच्छी कंपनी में जॉब करनी हो। तो तब का क्राइटेरिया कोई भी मतलब प्लेसमेंट होता था, TCS इन्फोसिस ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इनका क्राइटेरिया रहता था आपका 12th में 60% चाहिए और इंजीनियरिंग में विदाउट बैकलॉग एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं चाहिए। तो पहले तो 55 में हम छट गए। उसके बाद कॉलेज में तो बैक पे बैक लगने पड़े। अब कैसे किया जाए, होप ही छूट गई कि भैया घर वाले क्या सोचते थे कि अब मेरा बेटा ये बनेगा इंजीनियर बन के हमको पालेगा अच्छे से कुछ रखेगा गरीबी में ये हमको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। कुछ नहीं, होप पूरी डाउन, होप पूरी डाउन, होप पूरी डाउन। अब मैं आपको एकदम मतलब रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मुझे ऐसे में याद आया हंसना मत, इंजीनियरिंग में जब मैं ऐसे थर्ड ईयर में एक्चुअली RTMNM का एक रूल है कि आपको फाइनल ईयर में जाना है तो आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर के सारे क्लियर हो चुके हैं, अदरवाइज हम नहीं जा पाओगे, है ना। थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर का इनकी बैक रहा मतलब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का इनकी बैक रहा तो चलता है लेकिन 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर के नहीं चाहिए। और मेरे उस टाइम पे मैं करंट सिक्स सेमेस्टर में था और मेरे थे 17 बैकलॉग्स, 17 बैकलॉग्स और मैं सिक्स सेमेस्टर में। अब मेरे को कंडीशन मतलब फाइनल ईयर में जाना है, 17 बैक के साथ में कैसे जाऊँगा फाइनल ईयर में, नहीं जा पाऊँगा, इम्पॉसिबल, 17 इम्पॉसिबल है ना। अगर एक सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट होते हैं एट ए टाइम भी लोगों के लिए निकले होते, 6 सब्जेक्ट भी निकालना बहुत बड़ी बात होगी, बराबर। अभी ये क्या लगता होगा आपको, निकला होगा मैं पहुँचाऊँगा कि नहीं पहुँचाऊँगा, अपने आप को एज्यूम करो तुम्हारा 17 बैकलॉग है और जाना है, प्रेशर है ये फाइनल ईयर जाना है, 1 साल का गैप दिया होगा और ये इम्पॉसिबल टास्क है। मतलब कहने का मतलब ये आप सबको लग रहा है इम्पॉसिबल टास्क है, अब इसको पॉसिबल कैसे किया मैंने वो समझा। मैंने ऑब्जर्व किया हम क्या माइंडसेट, मतलब अभी समझो समर 2016 में मेरे को निकालना थे सारे पेपर सारे, है ना, टाइम टेबल सब आ गए थे। अब मेरे को मैंने क्या सेट किया गोल, मेरे को 17 पेपर निकालने, विदाउट 17 पेपर मैं नहीं जा सकता है, पहला गोल था मेरा, ठीक है। सेकंड जो मैंने ऑब्जर्व किया था गलतियाँ लोगों की और मेरी खुद की भी, हम क्या करते थे हमको निकालने हैं 20 मार्क्स लाने हैं, हम तीन यूनिट पढ़ के जाएंगे और हम देंगे तो हम एटलीस्ट पास हो जाएंगे, वो सबसे मेन ऑब्जर्व किया मैंने गलती। हम तीन सब्जेक्ट पढ़ के जाते थे, हम लिखते इतना थे, ऑब्जर्वर देखता इतना था, मार्क्स देता था इतना, ठीक है, तीन यूनिट। अभी इसको अगर ये स्केल अप करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं 6 यूनिट पढ़ के जाता हूँ 6 यूनिट लिख के आता हूँ, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूँ, इतना वो देखेगा ऑब्जर्वर उसका इतना और वो मुझे मार्क्स देगा इतना। तो ये जो लिमिट है ये मेरे पास से भी ऊपर है ना, मतलब डेफिनेटली मैं पास होऊंगा, नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे लेकिन मेरा सब्जेक्ट तो निकलेंगे और मेन सब्जेक्ट। अब ये हो गया सेकंड ऑर्डर, ये दो गोल सेट किए मैंने। उसके बाद में कितने 17 इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 से इंटू किए तो 102 यूनिट्स हो गए, 17 सब्जेक्ट के 6 यूनिट 102। अब मेरे पास टाइम बचा था एक महीना मार्च का, एक मार्च से अप्रैल तक का पूरा, और वहाँ से फिर चालू होने वाले थे करेंट और एक महीना 30 डेज है, 30 डेज में 102 यूनिट कंप्लीट कर लें। ये थर्ड गोल होता है कि ये मेरा सारा कवर हो गया ना, 17 सब्जेक्ट के सारे 6 यूनिट कवर हो गए मेरे, ये करने ही है अभी। 30 मतलब 102 डिवाइडेड बाई 30, एक दिन में कितना यूनिट आया, 4 यूनिट, ठीक है, अप्रोक्स 4 यूनिट
एक दिन में मेरे को एनी हो चार यूनिट करना है, पहले वो कोई सा भी सब्जेक्ट करो, मतलब कोई से भी सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट हो, पर मेरे को सारे सब्जेक्ट में से मिला के चार यूनिट कंप्लीट करना है। ये हो गया फोर्थ टारगेट, समझ रहे हो? इतना बड़ा टारगेट शॉर्ट करते करते कितने हो गए उसमें से, बच्चे निकल के कितने हैं, चार, चार चाइल्ड आ गए उसके गोल्स के। अभी उसमें सबसे छोटा गोल क्या था, बड़ा गोल तो मैं देख नहीं थी, बस सेट करके रख दिया कि ये मेरे को नहीं करना। छोटा गोल था मेरा जो मैं कर सकता था, जो पॉसिबल था, एक दिन में आप चार यूनिट नहीं कर सकते, एक दिन में चार यूनिट कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि 17 सब्जेक्ट निकाल सकते हो, तो सबका आंसर क्या हो, इम्पॉसिबल, बराबर। एक दिन में चार यूनिट पॉसिबल है, लेकिन 17 सब्जेक्ट जब बड़ा गोल दिखाया डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा, उसको छोटा किया। और 30 दिन में मैंने अपने आप को रूम में ही बंद कर लिया, रूम में बंद कर लिया, किसी कोई दोस्त नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे को बस फोकस करना है, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम हार्ड एंड फास्ट हो रहा था, मतलब करो या मरो, डू और डाई वाली स्थिति थी। अब एक भी सब्जेक्ट बैक आया तो भाई घर वाले तो घर से ही निकाल देंगे, और तुम तुम्हारा देखते हो, तो ना पैसे है ना कुछ है, तो इस पर ये टारगेट पे काम चालू किया। अब टाइम टेबल कैसा होता है, अब इसमें नहीं कि ऐसे मैंने कर लिया, अभी आपको आसान लग गया कि अभी तक 17 सब्जेक्ट कर इम्पॉसिबल लग रहा था, पर भैया ने बताया कि अब चार आप तो कर लेंगे, अभी इतना भी आसान नहीं है। हर्डल्स मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें इतनी आएंगी क्या बताऊं, अभी उसमें मैं बताता हूँ जब पेपर चालू हुए, ठीक है। अभी कैसा पेपर जो टाइम टेबल सेट हुआ ना, एक पेपर इवनिंग में, एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, एक मॉर्निंग में, अलग अलग सेट हुआ, फिर अब क्या किया जाए, यहाँ फिर गड़बड़ हो गया, मतलब जो भी बोल सेट किए थे वो तो फिर पानी में मिल गया, अब कैसे किया। तो ऐसे सिर्फ एक संडे आया था बीच में, सिर्फ एक ही संडे आया था, बाकी मेरे कंटिन्यूसली मतलब 10 दिन तो कंटिन्यूस पेपर अप डाउन अप डाउन। और सेंटर कैसे, ऐसे नहीं कि एक का ये बाजू में समझो, अगर काटोल रोड पता होगा आपको, काटोल रोड में जेडी है, पहले एनआईटी आता है, फिर जेडी आता है, एसबीजेएन, वो सब लग के क्या इधर से एक पेपर देके निकले उधर चले गए, ऐसे वैसा नहीं। एक पेपर इधर काटोल में, एक वो जेआईटी झूले जा रहा है और आईडी रोड पर जाने के लिए वहां पे समय लगे, ऐसा पूरा सिचुएशन फंस गया था। अब क्या हुआ कि मैंने फिर उसमें एक छोटा गोल और बनाया कि अब इसमें कंडीशन डाल, कंडीशन के पेपर कौन से है कि जो मेरे को जरूरी है फाइनल ईयर तक पहुंचने के लिए, और रेगुलर के कितने हैं उस बीच में जो फंस रहे, ये निकाला मैंने। तो उसमें क्या हुआ, 17 पेपर में से उस ड्यूरेशन में 10 दिन में सिर्फ 3 पेपर ऐसे थे जो करंट के मतलब रेगुलर के इसमें आ रहे थे, बाकी के जो 7 पेपर थे वो कंडीशन पे, वो 7 पेपर नहीं निकले तो हम अलग, ऐसा था। तो फिर क्या करना पड़ा एंड में, वो जो 3 कंडीशन के जो रेगुलर पेपर थे वो पेपर मैं एब्सेंट कर गया, मैंने अटेंड ही नहीं किया, गया ही नहीं देने, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था जाना, और तैयारी भी ऐसा नहीं है ना, तो वो 3 पेपर मैंने दिए। अब जब रिजल्ट आया तो 14 पेपर निकले, तो 3 क्यों नहीं निकले, क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं, जो कि मेरे पास पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, पर हुआ ना, और अच्छी मार्क्स है क्योंकि मैंने तैयारी 6 यूनिट की थी, हर यूनिट में मैंने लिखा था, तो ऑब्वियसली बात है वो तो मार्क्स तो दे गई है ना, काटेगा तो कितने काटेगा, मिल गए, पास हो गए, सब हो गए। तो उस समय रिकॉर्ड आरटीएमएल में रिकॉर्ड बनते बनते रह गया, हाईएस्ट रिकॉर्ड था 15 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम निकालने का, एक बंदा था उसने निकाला था, और अपने निकले थे 14। अगर वो 3 पेपर भी अटेम्प्ट कर दिए रहते तो फिर तो रिकॉर्ड ही रहता। वहां से जो चालू हुआ, वहां से मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला कि आपको जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे और तन मन धन से किसी चीज के पीछे नहीं भागोगे कुछ नहीं होने वाला, कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, सब अपना अपना रोना लेके बैठते थे, लाइफ में भी वही
आपके पास में हजारों लोग रहेंगे, लाखों लोग रहेंगे, लेकिन सबका अपना अपना कंडीशन, सब अपने अपने दुख में, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको अपना खुद का ही देखना है, जिंदगी में अकेले आया तो अकेले सब कुछ करना है, खुद का सेल्फ मोटिवेट करना बहुत जरूरी है हर टाइम पर। वहाँ पर मेरे को ऐसा गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, ये सब मैंने अपने से सोचा, क्यों, क्योंकि मेरे को केयर थी, मेरे को मेरा लाइफ के बारे में केयर थी ना, कि पैसे हर मंथली आ रहे हैं, उस समय कितने पर मंथ 3,500 कुछ आते थे, उसमें रेंट दो, मेस दो, पेट्रोल दो, मतलब स्ट्रगल कर ही रहते ना। बाकी जो हमारे फ्रेंड थे उनके पास मतलब काफ़ी पैसे रहते थे, ये तो अब हमको कॉम्पीट करना था ना, हमेशा उसी लाइफ में तो नहीं रह सकते। वो उनका सुने थे ना, गरीब होना, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, पर गरीब मरना वो अपने हक में है ना, कोई मतलब डिसाइडेड तो रहता नहीं कि आप यही कर लोगे, यही कर लोगे, आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको मेहनत करनी है, गोल सेट करना है, मेहनत करनी है, और बड़े गोल, छोटे गोल, स्मॉल गोल ऐसे कर करके करोगे तो काफ़ी ईजी हो जाता है। कहने का मतलब, मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि कैसे आप लोगों ने खुद ही प्रूव किया, जब मैंने पहली बार पूछा कि 70 निकालना है इम्पॉसिबल है, आप लोगों ने बोला हाँ, और वाकई में इम्पॉसिबल कि भाई अगर ऐसा रहता है तो एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, आदमी तो एक ही बार में निकल लेता है, कभी बैके भी आता है। तो गोल बना, पहले तो बड़ा गोल बना, और गोल बना के भूल जाओ उसको, बस गोल बनाना है, और बस ध्यान में रखना कि हाँ ये मेरा गोल है, उसको छोटा करो, छोटे 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 पर डे, तब तक के छोटा करो जब तक आपको वो करना आसान ना लगे। जैसे बताया मैंने कि आपको एक दिन में 4 मिनट हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, हो जाएंगे, तो वो एक मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से मेरे को 4 मिनट लगा, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप अपना गोल सेट करो ना, उसमें कोई मना ही नहीं, आप अपने हिसाब से आप कब कर सकते हो, आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हो, बस उस पर फोकस करके जाओ, और डेफिनेटली डेफिनेटली ये है कि आपको आपका अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आप इस चीज़ को, ये जो स्टोरी है इसको अपने जो डे टू डे लाइफ अभी जो चल रहा है उससे रिलेट करो, खुद से सोचो खुद उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सारों के लाइफ के बारे में तो पता नहीं है इंडिविजुअल, है ना, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे को तो पता नहीं, आपको सबसे ज़्यादा आपको ही पता है क्या चल रहा है, आप उसको समराइज करो, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है उसको एक साइड देखो, और बाकी चीज़ों को साइड में रखो, और बस कुल मिला के 6-7 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल लो अपने अपने करियर के हिसाब से, कोई लेट होता है, कोई जल्दी होता है, जिसके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप बना के आगे बढ़ो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। बराबर, तो गोल बनाना चालू करें आज, जितना जल्दी बनाओगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, और मेहनत करते रहो। उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि लाइफ आसान से चलती थी, बहुत तकलीफ है, ये तो कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग फेज ही है ये कि आप बस आप ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन कर रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हो, उसको क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप अचीव नहीं कर रहे हो, आप क्वालिफाई कर रहे हो, क्वालिफाई मतलब समझते ना, क्वालिफाई कर रहे हो, आप गेन नहीं कर रहे हो, पा नहीं रहे हो, अचीवमेंट नहीं हो रही, बोले आप बस एक डिग्री ले रहे हो, और डिग्री के मतलब तो कोई वैल्यू नहीं, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, आपके काम की वैल्यू, आपको कितना आता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, आपको फ्रंट एंड आता है, आपको बैक एंड आता है, और उनको वो फुल स्टैक, ठीक है, आप मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए, ठीक है, आप बोलोगे मैं आपको इंटरव्यू लूँगा, आप बोलोगे अच्छा मेरे को तो फ्रंट एंड बैक एंड ही आता है, फ्रंट एंड का मेरे को नहीं समझता, उनको पूछूंगा वो बोलेंगे मेरे को बैक एंड का नहीं समझता, इनको पूछूंगा बोलेंगे सर मैं दोनों मैं मास्टर हूँ, मैं आपके लिए जो मैं करते हूँ, तो तुम दोनों मेरे मेरे पर डाउन हो जाओगे, वो मेरे लिए आप हो जाए, क्यों, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा स्किल है, वो फ्रंट एंड तो आता ही बैक एंड भी आता है, कंपनियाँ वही देखती हैं कम में मतलब, और उसमें बेनिफिट आपका होता है, आपको सीखने मिलता है, आपकी ग्रोथ होती है, जितना नॉलेज आप जाओगे उतना ग्रोथ आपको आगे मिलेगा। तो फोकस इसी में करो, लर्निंग में अभी से, जहाँ भी मैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ या इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में हर चीज़ से सीख लो, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है ना उससे आप सीख लो, मोटिवेट डीमोटिवेट मत हो, बहुत सारे एग्जांपल बीएसके में मिल जाएंगे, और सर तो पूरा ऐसा मोटिवेट करते हैं
ये आपको पता है, ये डाउन वाला आदमी भी मतलब खड़े कह रहे मैं कर लूंगा, है ना। तो सर को कौन समझाने वाला है, सर सेल्फ मोटिवेटेड है, उनसे हमने सीखा, हम भी स्टूडेंट थे, आप भी स्टूडेंट हैं, आपको क्रैक करना है। टीचर नहीं है जो आपको सिखाता है, तो आप खुद सीखते हो। अभी सर सर को अगर मैं आइडल मानता हूँ, सर को अगर देखा जाए तो उनसे सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। कोई बता सकता है क्या क्या सीख सकते हैं सर? आपको क्या लगता है? डिसिप्लिन रहना, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड और सेल्फ मोटिवेटेड। अभी मैं बता रहा हूँ सर का, जो ये जो अभी बीच में जो ट्रेजेडी हुई, ये अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ हो जाती ना, वो क्या थे क्या सोचते थे आप समझ सकते हो, इमेजिन कर। पर आज ये देख रहे हो जो रीबिल्ड होके जो वापस से उसी फोर्स के साथ में जो हम कम बैक किए हैं सर, ये कैसे पॉजिटिव? सर से ही बहुत सारी बातें सीखने की, और सर ही सबके आइडियल है, जितने भी हैं पीएचपी कंपनी में सर सबके आइडियल सर मैम दोनों, उनसे बस सीखते रहो, उनके पास तो ऐसा नॉलेज भरा पड़ा है। आप लाइफ के मामले में कभी आप ये मत समझो कभी डाउन होगा सर, कभी पूछना सर आज मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मेरे साथ ऐसा फिर ट्रेजेडी हो, सर उसमें भी आपको पूरा गाइडेंस करता है। क्या एक्सपीरियंस सर ने भी मतलब काफ़ी डाउन से अप आया, तो वही जो डाउन से अप आता है उसको पूरा प्रॉब्लम पता रहता है कि हाँ ये ऐसा प्रॉब्लम है ना, ये इसकी वजह से आया, ये ऐसा डाउन जा रहा ना, होता है लाइफ में ऊपर नीचे होता है। तो ये सारी चीज़ें सीखनी वाली है। अब ये हो गई बात सर की, ये सीखना है कि ना हमारे एनवायरनमेंट में जितने आसपास में लोग हैं सारे लोग से हम कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ सीखते ही है। अभी आप अभी तक आपने नोटिस नहीं किया, बट आप ना नोटिस करो कि आपको देखना कोई आस पास में रहना उसकी ये बातें अच्छी लगी है, हाँ इसकी ये अच्छी बात हो, ये मेरे को समझ में, ये मेरे को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यहीं से सीखो। घर में एक कंफर्ट जोन होता है, घर में आपको मम्मी खाना बना के देंगे, आपको बर्तन नहीं धोने, आपको कपड़े नहीं धोने, मस्त जिंदगी। स्ट्रगल बाहर आने के बाद पता चलता है, जो भी यहाँ पे बाहर होगा उनको दुख तकलीफ समझ रही होगी। कंफर्ट जोन में कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, कभी आपको कंफर्ट जोन से बाहर ही आना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी, एवरीथिंग देखनी पड़ेगी। बिग बॉस कौन कौन देखता है? बिग बॉस कौन करता है? क्या होता है उसमें? अच्छा किसको पसंद है बिग बॉस, किसको नहीं पसंद है बिग बॉस? क्या है आपको बिग बॉस? कुछ नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 10 अलग अलग जगह से लोग आते हैं पूरे इंडिया से, उनको 3 महीने तक रखा जाता है साथ में और बोलते लड़ो। वो इतना अच्छा चीज है, उससे हमको सीखने मिलता है, उससे अपने अंदर क्वालिटी आती है। क्या क्वालिटी आएगी? 10 लोगों के बीच में अगर आप लीड कर रहे हो, आप लीडर, आप लीडर कैसे बनोगे? अगर 10 लोगों को आपकी बात पसंद आ गई तो वो आपको लिखा ये भाई ये सही बोल रहा है, हम ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बातें ही वैसी है, आपकी बातें अच्छी है, तभी वो 10 लोग आपको फॉलो करेंगे और आप लीडर बन गए। तो लीडर बनने की क्वालिटी स्टार्ट कहाँ से हुई? सोच से। सोच कैसे आया? नॉलेज से। आपके पास जितना अच्छा काम करोगे 10 लोग जुड़ जाएंगे, बुरा काम करोगे आज 10 लोग जुड़ेंगे और निकल जाएंगे। तो वही सारा कुछ भी लगते हुए बात घूम फिर के एक ही चीज में आएगी, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। पहले से किसी को नहीं आएगा, आप दो तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हो, या तो जो बता रहा है ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन, उसका एक्सपीरियंस को पॉजिटिव वे में लो और इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो एक सेकेंड एटीट्यूड ऐसा होता है कि हाँ इसके साथ ये कुछ भी बता रहा है, कुछ भी हुआ हुआ इसके साथ, मैं खुद एक्सपीरियंस जब तक नहीं करूँगा मैं मानने वाला नहीं, ये सेकंड एटीट्यूड है। उसमें क्या होगा, आप सीखोगे पर लेट होगा, टाइम लगेगा। मैंने अभी ये यहाँ पे आधे घंटे जो आपसे बात की है इसमें मैंने आपको 15 साल का एक्सपीरियंस बता दिया,
शॉर्ट में, पर ये 15 साल में कितने दिन गए होंगे और कैसे कैसे झेला होगा, तो वो स्टोरीज है, राइट। समराइज मैंने जल्दी कर दिया, अब मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको क्या समझ में आता है, आप क्या लेते हो, क्या इम्प्लीमेंट करते हो, क्या चेंज आता है, वो आप पे डिपेंड है, मेरे पे नहीं डिपेंड। मैं एक ऐसा अपना लाइफ बता के आपको मोटिवेट कर सकता हूँ कि ऐसा भी होता है रियलिटी में। आप बिंद्रा को भी सुनोगे, अरिश को भी सुनोगे, पर वो बताएंगे, पर वो एक्सपीरियंस नहीं है ना, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मैं खुद एक्सपीरियंस है, तो आपके सामने एक ऐसा है कि हाँ नहीं रियल लाइफ में भी ये पॉसिबल है, खाली ये कहीं सुनी बातें नहीं है, ये रियल लाइफ में बातें हैं। तो वहाँ से आप क्या चेंज करते हो, क्या चेंजेस लाते हो, आगे क्या मतलब इम्प्रूवमेंट आता है, वो सब आपके ऊपर है ना, कितना ग्रेथ करोगे कितना नहीं। बट मेरा आपको गाइड करने का है कि देखो, क्योंकि जितने लोग यहाँ से बन के निकलेंगे उनकी ही करियर बनेगा, उनका ही करियर बनेगा, उनकी लाइफ अच्छी रहेगी। और आप अभी इसीलिए रहो ना, सीख क्यों रहे हो, क्या जरूरत है सीखने की, सब अपने अपने करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी जैसे बता रहे थे स्ट्रेंथ पहले 21 की थी, 21-22 अभी आधे से ज़्यादा लोग चले गए, क्यों, उनको कुछ देना देना ही नहीं है, बराबर। सीरियस होते तो वो बंद हो चाहे क्लोज हो, सर से ऑनलाइन पूछते, ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी कौन यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी हमारे लिए तो है ऑनलाइन लैपटॉप है, और ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा, रात के 12 बजे सर प्रॉब्लम नहीं आ रहा, यहाँ पर सर देखेंगे यहाँ ट्रबल शूट करेंगे, यहाँ ऐसे भी प्रॉब्लम किसी नहीं, टेक्नोलॉजी यूज़ करो, स्मार्ट वर्क करो, यही है आज का जमाना, हार्ड वर्क करेंगे स्मार्ट वर्क करो, अब कम टाइम में कैसे उसको इम्प्रूव करके देते हो, कैसे करते हो। और एक चीज़ है, कॉर्पोरेट लाइफ अलग है, आपको वो एक्सपीरियंस स्टार्टअप से जैसे यहाँ से आप करोगे धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टेप बाई स्टेप आपको जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आते बराबर मैंने जब पूछा कि आपने मेरा नाम सुना है, पर क्या सुना है मेरे बारे में, नाम पूछा पर नाम में क्या सुना है, तो किसी का रिप्लाई मतलब तो हर किसी का रिप्लाई यही था आपका पैकेज। लेकिन पैकेज पैकेज तो बहुत छोटी चीज़ होगी, पैकेज कैसे मिलेगा स्टेप बाई स्टेप, डायरेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कितना भी जो मैंने बोला गोल बना के कुछ भी करो, डायरेक्टली अगर एक गोल बनाओ कि मेरे को 24 MB का पैकेज चाहिए डायरेक्ट, तो उसमें भी आपको छोटा ही करना पड़ेगा ना, पहले 1 MB से चालू करना पड़ेगा ना, बड़े गोल को भी छोटा भी करोगे तो 1 MB तो पकड़ोगे, चलो 1 MB तो करो 3 MB मिनिमम जो बेसिक आज के डेट में चल रहा है ना, छोटा भी करोगे तो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप काम करते रहना। ये नहीं कि मैंने यहाँ से सीख लिया और इसके बाद जाके मेरे को कुछ नहीं करना, सीखना नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मैं आज भी मैं सीख रहा हूँ, कोई इंसान कभी सर भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, कोई इंसान कभी फुल्ली मास्टर नहीं बन सकता, इतना आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। आप अपने आप को सीखाओगे, अपग्रेड करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पहले ये एंड्रॉयड था, जब मोबाइल नया आया एंड्रॉयड, वो अपग्रेड करता गया ना, एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 9, 10, अभी 13 चल रहा है, बराबर। तो वो कैसे अपग्रेड करते जा रहा है, नया नए फीचर्स लाते जा रहा है। व्हाट्सअप पहले क्या करते मैसेज, अभी तो उसमें स्टेटस का अलग कंटेंट है, इसका अलग कंटेंट है, सब क्या अपग्रेडेशन है, क्यों, क्योंकि मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए उनको करना ही पड़ेगा अपग्रेडेशन। एप्पल नया नया फ़ोन क्यों लॉन्च कर रहा है, 13 Pro Max, 14 Pro Max क्यों लॉन्च कर रहा है, क्योंकि उसको अपग्रेडेशन चाहिए। अभी आप विंडोज़ XP यूज़ करोगे क्या अपने लैपटॉप, क्योंकि भाई विंडोज 10 में इतने अच्छे फीचर्स है, तो विंडोज XP क्यों यूज़ करो, उसमें ना गेम चलेगा ना हमारी कोडिंग चलेगी, डीबग नहीं होगा, बराबर। तो अपग्रेडेशन चाहिए ना, तो अपने को भी अपग्रेडेशन चाहिए, तब आपका प्रमोशन भी होगा, बराबर। तो अपग्रेडेशन तो समराइज करूँगा मैं इस चीज़ को, जितना भी मैंने बताया इस चीज़ को समराइज करके ये कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले गोल बनाओ, विदाउट गोल आप अगर लाइफ जी रहे हो जो आपको लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ इजीली, ऐसा नहीं कि स्मॉल गोल भी इतना हार्ड बना दिया कि ये भी नहीं हो पाता, नहीं,
उसको भी तोड़ो और ऐसा स्मॉल गोल बनाओ कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, खुद को कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये करूँगा, उतना एक सेकंड बना लो, ठीक है। सीखना, गैदरिंग, नॉलेज गैदरिंग चारों तरफ से आप लेते रहो, सर से, जो भी आसपास में एनवायरमेंट में लोग हैं उनसे, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे, मतलब नॉलेज सबके लाइफ से कुछ ना कुछ सीख मिलेगा ही, जितने भी पर्सन है वो लेते रहो, ठीक है। और जो बताया था कि ये ओबीडियंट और पंचुअलिटी, टाइम टू टाइम आपका रहना चाहिए हर, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मेक्स मनी, टाइम का यूज करो, है ना। और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, 5.6 पॉइंट की सब ऑर्गेनाइज्ड भी मत करो, कचरा मत करो, मैस मत करो, जैसे आप ये मल्टीटास्किंग एट अ टाइम यूज कर रहे हो, दिमाग पूरा काम नहीं करेगा, एक काम करो, छोटा काम करो लेकिन उसको परफेक्ट करो, बस खत्म। ऐसा नहीं एक दिन में बढ़ लेकिन मैं चलो कि एक दिन में सारा कुछ करना है, एक दिन में सब अच्छी कंपनी मिल जाएगी। मैं चालू किया था लुपिन में, मिहान में, एज अ थर्ड पार्टी मेंबर, थर्ड पार्टी मीन्स कंपनी पे रोल, थर्ड पार्टी मतलब हायर करते हैं, लर्निंग एंड अर्निंग स्कीम थी, उस पर ज्वाइन किया। वहाँ से फिर उनको काम पसंद आया तो उन्होंने वहाँ पे पेरोल भी लिया। अच्छा, इसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सर के यहाँ पे मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग किया हुआ था और ये भी किया हुआ था, प्रोग्रामिंग भी किया हुआ था, सी प्लस प्लस का, वहाँ पे लगा मुझे एज अ हार्डवेयर इंजीनियर। सर तो सर बोले कि कर लिया, अच्छी रेपुटेटेड कंपनी, कुछ दिशा मतलब फिक्स नहीं था ना मेरा, मैं यहाँ पे पढ़ ही रहा था, डेली आ रहा था, डेली पढ़ रहा था। वहाँ पे सर बोले कि जा इंटरव्यू दे दे, ऐसे सिलेक्शन होगा तो चले गया, सिलेक्शन वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, 15 लोग गए थे यहाँ से, उसमें से एक मेरा सिलेक्शन, वो सिलेक्शन होने पर एक साल उन्होंने काम देखा, काम देखने के बाद में वहाँ की हिस्ट्री ऐसी थी लुपिन की कि जैसे मैं था ना नेटअप जो लर्निंग एंड अर्निंग स्कीम में इंटर्नशिप जैसा था, उसमें आठ साल तक भी अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आपको कंपनी पेरोल पे नहीं देगी, ऐसा कोई रूल ही नहीं था कि थर्ड पार्टी वेंडर को हम कंपनी पेरोल पे देना, ऐसा कोई रूल नहीं था और लेते ही नहीं थे, वो बाहर से भले हायर करते थे लेकिन अंदर जो है उसको कभी पेरोल पे नहीं देते। वहाँ पर मेरा काम उनको इतना पसंद आया कि एक साल में ही उन्होंने मेरे को पेरोल पे लेने के लिए एग्री कर दिया एचआर, क्यों कुछ तो देखा होगा बराबर। अब उसमें भी पेरोल पे तो लेना है पर उसमें क्या काफ़ी डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक क्यूसी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में लड़ रहे थे कि ये मेरे को मेरी टीम में चाहिए, ये मेरे को मेरी टीम में चाहिए, वो दोनों लड़ते लड़ते गए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, एचओडी को। फिर वहाँ पर उनका क्या हुआ पता नहीं, फिर साठगांठ होकर हुआ कि हाँ भैया ये मैनेजर कर, तो फिर उस मैनेजर के अंदर उनको एज अ पेरोल मिल गया। दो साल वहाँ पर काम किया, वहाँ पर काम करने के बाद में जो मैंने वहाँ पे काम कर रहा था ना, तो मैंने एक नया टेक्नोलॉजी सीखा, लिंक्स टेक्नोलॉजी करते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी सीखी, सीखता रहा। ऑफिस आवर था 9 से 6, मैं आता था 11, 11:30, 10, 12 इस टाइम पे। क्योंकि कैसा था, मेरे को तो 9 घंटे के पैसे मिलते थे 9 से 6 बराबर, मेरे को कोई नहीं बोला वहाँ पे कि एक्स्ट्रा रुको काम करो, पर किसी ने मेरे को नहीं बोला, मतलब वहाँ पे किसी की हिम्मत भी नहीं है कि आपको कोई फोर्स करे, ऐसा आपकी पॉलिसी में नहीं रहता, आपकी इच्छा है तो आप करो। तो वहाँ पे मैं 3-3, 3.5-3 घंटे एक्स्ट्रा मैं खुद से काम करता था, सीखते रहता था, ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा, ये कैसे बना, ये SOP कैसे बनी, ये सर्वर कहाँ पर रखा हुआ है, वो सर्वर लाइव कहाँ पर रखा हुआ है, सब देख, मतलब क्यूरियोसिटी सीखने की, सीखता गया वहाँ से कुछ सीखने। उस टेक्नोलॉजी जो मैंने नया सीखा, मेरे को पता नहीं था कि उसका मार्केट में क्या डिमांड आने वाला है फ्यूचर में, पर जब वो मैंने सीख के बाहर निकला तो उसका इतना डिमांड था कि समझो कि मेरा जब वहाँ पे लुपिन पेरोल पे था 3.5 LPA था मेरा, जब मैं लुपिन में कर रहा जब मेरी टेक्नोलॉजी, जस्ट मैंने वहाँ से एक स्विच किया तो मेरे को डायरेक्ट 10 LPA का ऑफर, इतना हाई किसी को नहीं मिला है आज तक, 250%। मैक्स टू मैक्स आपको मिलता है कॉर्पोरेट सेक्टर में 50-60%, बहुत हो गया 60% मैक्स हो गया, 250% मतलब बियॉन्ड द लिमिट हो गया।
बियॉन्ड द लिमिट। क्यों? टेक्नोलॉजी, वो जो नई टेक्नोलॉजी मैंने सीखी बियॉन्ड द, मैंने अपना बियॉन्ड द लिमिट जाके काम किया तो मेरे को बियॉन्ड द लिमिट है, बराबर। वही लर्निंग पार्ट कभी नहीं, मैं चाहता तो मैं बोल सकता हाँ चलो आराम से चल रही है, हो गया नौकरी, कोई करने का जरूरत नहीं, बराबर सैलरी आ रहा है, सीखने में हो जाता था। तो वैसा सीखते रहना पड़ेगा, आज भी हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी कल तो छुट्टी है मेरी, बट कल एक पैचिंग है, पैचिंग का काम है, कल भी लॉगिन करना है। तो किसी ने बोला नहीं कि आपको लॉगिन करना है, वो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है सीखना है, क्योंकि जिस मशीन पर मैं कल काम करने वाला हूँ वो है एक यूएसए में और एक है स्कॉटलैंड में, तो वहाँ की मशीनें कैसी होंगी, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्यूरियोसिटी सीख रहा हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि आपको सीखना पड़ेगा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जो मेरे को तो नहीं लगता ऐसे किसी के साथ ऐसा बीतता हो गया, बीतता होगा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेरा हमेशा कुछ ना कुछ मैसअप रहा ही लाइफ में, लेकिन वो मैसअप से निकल के फिर आज आपके सामने जो है, और भी बहुत है पर वो इतना है कि बताने बैठूंगा तो आपको पूरा दिन भर चला जाएगा, पर स्ट्रगल बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, डायरेक्टली आपको उतना एल पी दिखेगा बट उसके पीछे मेहनत दिन रात की, दिन रात खाना भी नहीं खाते थे कभी कभी, तो रात को इतना लेट हो गया कि खाना ही नहीं खाते, तो नहीं ऐसा, तो सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, विदाउट आपको चोट लगे आप नहीं कर पाओगे, आपको पेन होना चाहिए, पेन होगा तभी आपको समझ में आएगा, वो अच्छी बात है, पेन जितना आएगा आप कल के डेट में आप मेरे तक खड़े होकर आप किसी को मोटिवेट कर पाओगे, क्यों अपनी खुद की लाइफ बता कि मैं कैसा था, क्योंकि हमको पता ना हम कैसे थे कॉलेज में, कोई सीरियस नहीं रहता, कोई नहीं ऐसा मत समझो कि हम कुछ हमें कुछ नहीं कर रहे, सब वैसे ही रहते, एक ही टाइप का ही ह्यूमन डेवलप होता है, ब्रेन सबका वैसे ही डेवलप होता है, सबका माइंड स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, और वही है इस एज में आने के बाद में या तो आपको प्रॉपर कोई गाइड करे वो बहुत बेटर है, क्योंकि अपने टाइम पे नहीं था, आप लोग के इसमें है तो उस चीज़ का फायदा होगा, सर और भी बीच बीच में आते हो, जैसे राहुल हो गया, राहुल हो गया, वैभव फाटे, वैभव आते हैं, मतलब पी एस के फैमिली भी है, वो भी सारे ऐसे ही नीचे ग्राउंड से आए हुए हैं, उनको भी पूरा, उनसे भी आपको मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, लाइव एग्जांपल आपके सामने बहुत है, सर बता देंगे पूरा मेंबर की लिस्ट देंगे, सारे के सारे ग्राउंड से ऊपर आए हुए, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में आराम से जॉब कर सकते हो, बस पेशेंस, हार्डवर्क और रेगुलर ग्रोथ, ये तीन चीज़ पर फोकस करना है, और जिस वे में मैंने बताया उस पर मैं करो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, एक दिन आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो करोगे काम चालू, गोल सेट, यस करना, देखो मेरे को तो रिवर्ट टैक नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे कि भैया मैंने गोल सेट कर लिया, भैया मैंने गोल सेट कर लिया, ऐसा तो नहीं बोलोगे, वो तुम्हारे तुमको ही है, पता है तुमने गोल सेट कर लिया, अपने आप से चीटिंग नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं करेगा, और भगवान सिर्फ मेहनत देता है, जिसने मेहनत किया उसको फल मिलता ही है, भले थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक सबको, और मिलते रहना पीएसपी में भी अलग प्रोफेसर, कभी भी कुछ भी रहा तो मेरा नंबर आप ले लेना, कभी भी कुछ भी ऐसा लो फील है या कुछ करियर गाइडेंस में कुछ लगता है, कुछ पूछना है कोई पूछ लेना, मेरे से बन पड़ा तो मैं आपकी जरूर गाइड करूँगा, बाकी सब तो है वो नॉलेज का यही है तो फिर मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस अगर कभी कुछ होता है, ठीक है, चलो बेस्ट सर, नमस्कार।